कोई कमी नहीं होनी चाहिए। संदीप जी, आज की तारीख में स्थिति ये है कि एनटीपीसी ने जितना वो दिल्ली को सप्लाई करती है उसका 50% सप्लाई कर रही है। हम दुगने दामों में स्पॉट एक्सचेंज से बिजली खरीद रहे हैं और वो भी सिर्फ इसलिए खरीदने में सक्षम हो पाए क्योंकि दिल्ली सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप देखिए बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे फाइनेंसिस इतनी अच्छे नहीं है, बिहार हो जाए चाहे यूपी हो जाए, सब जगह बिजली की कटौती शुरू हो गई है दुगने दामों में स्पॉट एक्सचेंज से। नहीं सर, दाम बढ़ जाएंगे क्या? आपने कहा कि एनर्जी एक्सचेंज से दुगने दामों में आप बिजली खरीद रही हैं आपके के उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब में, दिल्ली में जो ये मुफ्त बिजली देते हैं, अब ये संकट ऐसा गहरा सकता है कि बिजली मुफ्त तो छोड़िए, बिजली महंगी देनी पड़ेगी। संदीप जी, आप दो बातों को मिक्स मत करिए। बिजली मुफ्त देना वो एक सरकार के द्वारा प्रोवाइड की हुई सब्सिडी है जिसको हम स्मार्ट सब्सिडी मानते हैं। सरकार टैक्सेस को किस तरह से यूज करे, केजरीवाल सरकार फ्री बिजली दे रही है, मोदी सरकार उससे अपने लिए महल बना रही है, टैक्स का वही पैसा है, उसको गवर्नमेंट कैसे यूज करे गवर्नमेंट की नीति और नियत पर निर्भर करता है। अगर आप तीन सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से बिजली के दाम दुगने हो जाए ये दूसरी बात है, तो सारी स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंसेस जो है